आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा बजट इसके लिए अलग से निकाला और इस बजट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्निकल चीजों में लगाया जाएगा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होने वाला है। तो अभी से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एजुकेशन प्राप्त करनी है और इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कोर्स करने हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अपने करियर को बनाने के लिए तैयार रहना है। तो हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में हम करियर कैसे बनाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं एआई इंजीनियर कैसे बनते हैं। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और भी इस चैनल पर कई वीडियोस आ चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ ही हमें समझना होगा कि आप किस उद्योग में काम करना चाहते हैं। दुनिया भर के कई उद्योग कुछ हद तक एआई का उपयोग करते हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल है, इसलिए एआई के क्षेत्र में करियर के अवसरों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ जॉब रोल्स होते हैं जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए आपको जो एजुकेशन है किस तरह की आप प्राप्त कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं और पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, एआई में अवेलेबल हो जाते हैं, डिप्लोमा आदि करवाए जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब की बात करें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में लगभग हर प्रकार की टेक्नोलॉजी और हर प्रकार की मशीनों को बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। बता दें कि वर्तमान समय में आने वाली नई नई महंगी गाड़ियों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं जिसमें बिना ड्राइवर के भी कार को चलाया जा सकता है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है और हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य में मार्केट कैप कितना बड़ा होने वाला है। आप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइनिंग डेवलपमेंट तक के हर प्रकार की टेक्नोलॉजी और हर प्रकार के कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करके अपना करियर बना सकते हैं। और इस फील्ड में शुरुआत समय में ही जगह बनाने पर अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि शुरुआती समय में नौकरियों की काफी कमी होगी, जबकि पुराने तरीके से चले आ रहे कामकाज धीरे धीरे सब बंद हो रहे हैं और सभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहे हैं। आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के नए नए रोबोट जो है बनाए जा रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वह रोबोट काफी एडवांस हो जाएंगे जिसकी दुनिया भर में काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो यदि आप अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एजुकेशन प्राप्त करते हैं या कोई इसमें कोर्स करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत करियर को बिल्ड करने के काफी ज्यादा विकल्प मिल जाएंगे और इस फील्ड में आपको जॉब को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वाहन बनाने वाली कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, मोबाइल कंपनियों में काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में और रोबोट वाली कंपनियों में और मशीनरी वाली कंपनियां और इसी के साथ ही टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी कंपनीज में काम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कंपनीज है तथा मैन्युफैक्चरर्स फील्ड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करके अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत करियर बनाने में आपको जॉब रोल्स कौन से मिलते हैं। सबसे पहले होता है एआई डेवलपर। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पर रखते हैं एआई डेवलपर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर को। एआई डेवलपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ मिलकर काम करता है और कृत्रिम यानी कि एआई रूप से बुद्धिमान रोबोट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। सेकेंड पर यहाँ पे है एआई आर्किटेक्ट यानी कि एआई आर्किटेक्ट क्रिएटर बिजनेस और सिस्टम एकीकरण सर्विसेज प्रदान करने के लिए कस्टमर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और वे संपूर्ण वास्तुकला के निर्माण और रखरखाव भी करते हैं। थर्ड पर आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग या ML इंजीनियर विशाल मात्रा में डेटा को उपयोग करके फ्यूचरिस्टिक मॉडल बनाते हैं। उन्हें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का गहन ज्ञान होता है। फोर्थ पर आता है डेटा वैज्ञानिक यानी कि डेटा साइंटिस्ट जिसे हम बोलते हैं।
डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग और प्रोडक्टिव एनालिस्ट दोनों का लाभ उठाकर बड़े और पिक डेटा सेट को कलेक्ट, क्लियर एनालिसिस और एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे 5 नंबर पर आता है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। वे बिजनेस और मार्केट के इंटरेस्ट की पहचान करने के लिए बिग डेटा को डिजाइन करने, मॉडलिंग करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। AI में करियर बनाने के लिए कुछ जरूरी स्किल्स होती हैं जो आपके अंदर होनी जरूरी है, जैसे कि आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ ही प्रोग्रामिंग स्किल्स को आपको बिल्ड करना होगा। AI में करियर बनाने के लिए आवश्यक जो स्किल्स प्रोग्रामिंग होती है, और AI में अच्छी तरह से वाकिफ होने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, लागू करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जैसे कि पाइथन, जावा, C++ इत्यादि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिनको सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको AI में करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। सबसे जरूरी सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के बाद आप कितना कमाएंगे, यानी कि आपकी सैलरी क्या होगी। सैलरी के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब की एप्लीकेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल के लिए नौकरी की सबसे पसंदीदा जो लोकेशन के रूप में बेंगलोर सबसे पहले स्थान पर आता है। लास्ट ईयर्स में इस सेक्टर में पैदा हुई 23,000 नौकरियों में से 13,000 बेंगलोर में पैदा हुई, और इसके बाद दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद का नंबर भी इसमें आता है। और बात की जाए सबसे ज्यादा सैलरी की तो मुंबई पहले स्थान पर आता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है AI करियर के तौर पर। यहाँ पर IT प्रोफेशनल को औसतन सालाना लगभग 17 लाख यानी 17 लाख रुपीज सैलरी मिलती है। इसके बाद दिल्ली NCR औसतन सालाना 15 लाख से ऊपर जो है आपको मिल जाते हैं। चेन्नई सैलरी के मामले में सबसे पीछे है, यानी कि यहाँ पर जॉब करने पर आपको कम सैलरी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर सिर्फ औसतन 10 लाख से ऊपर की आपको, यहाँ पे लगभग औसतन आपको 10 से 11 लाख के बीच में जो है सालाना सैलरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं AI करियर से जुड़ी आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। और हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।